वेलकम बैक यार लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हंगल को क्राफ्ट। हाँ, आज की वीडियो में हमें भूख को क्राफ्ट करना है क्राफ्टिंग टेबल पे। थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तुम्हें सुनने में, लेकिन जब माइनक्राफ्ट की दुनिया है तो ऐसे अजीब कॉन्सेप्ट तो होते रहेंगे। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, बिना देरी के वीडियो को करते हैं लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्राफ्टिंग टेबल को बनाना होगा और फिर साले हंगर बार्स की क्राफ्टिंग रेसिपी को भी चेकआउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पेल को काटना होगा, लेकिन 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 डिफॉरेस्टेशन होता है एक बहुत बड़ा पाप, इसलिए मैं पेलों को नहीं काटने वाला। मैं इन विलेजर्स के घरों को तोड़ने वाला हूँ। देखो डिफॉरेस्टेशन मैं बोलना कब सीखूंगा जैसा पाप में बिल्कुल भी नहीं करने वाला, इसलिए मुझे विलेजर के घरों को तोड़ना पड़ेगा। सॉरी विलेजर, पेड़ों को बचाना है तो तुम्हें बेघर करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए विलेजर्स को बेघर करना ही पड़ता है। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल को तो बना लिया है, अब जल्दी से इन सभी हंगल बार्स की क्राफ्टिंग रेसिपी को भी चेक करते हैं। चलो भाई, कहाँ गए साले के साले हंगल बार्स। तो ये है मेरे सारे हंगल बार, लैपिस लाजुली से, डायमंड से, ऑब्सीडियन से। ओके ओके ओके, इतने तरह के हंगल बार्स हैं जो कि हमें क्राफ्ट करने हैं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले कौन सा हंगल बार क्राफ्ट किया जाए। सबसे इजी तो मुझे ये विलेजर वाला लग रहा है। तो चलो बिना देरी किए जल्दी से इसको क्राफ्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा थोड़ा सा वीट। अरे विलेजर भैया, आपके खेत से थोड़ा सा वीट चोरी कर लाओ, पुलिस कंप्लेन मत कीजिएगा। चलो चलो चलो, वीट तो हमने चुरा लिया, जल्दी से इसको क्राफ्टिंग टेबल पर लेके चलते हैं और क्राफ्ट करते हैं और अपना पहला हंगल बार को क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके, उसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा स्टोन की एक्स, क्योंकि उस एक्स से हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसको हम कहते हैं मर्डर, वो भी एनिमल्स का। तो मेरे प्यारे प्यारे गौ माताओं और मेरे प्यारे भेड़ बकरियों, थोड़ी सी तुम लोग को अपनी शहीदी देनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाने की बहुत जरूरत है। चलो अब जल्दी से इनकी बलि की मदद से हम लोग क्राफ्ट करते हैं अपना पहला हंगर बाल। तो मैंने अपना पहला हंगर बाल क्राफ्ट कर लिया है। इससे देखते हैं कि इससे क्या एबिलिटी मिलती है। इस इंक्रीज स्पीड ऑन ग्लास ब्लॉक। अच्छा, इससे मेरा ग्लास ब्लॉक के ऊपर मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मेरे को अपना सेकंड वाला भी क्राफ्ट करके देखना होगा, पहले कुछ खा लेते हैं। ओके, इस विलेजर के घर में भी जाके देख लेते क्या क्या मिलता है। लेकिन सबसे पहले विलेजर भैया, क्या मैं आपके विलेज आपके घर से थोड़ी बहुत चोली चपाटी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लुक बेटे को भाग यहाँ से, चोली करूँगा मैं, कौन लोकेगा मेरे को। चलो जल्दी से चोली कर लेता हूँ। ओके, क्या क्या है इसके घर पे? डायमंड है, एप्पल है, ऑब्सीडियन है। चलो ऑब्सीडियन मिल गया, ऑब्सीडियन वाला लावा बकेट वाला जो बनाना है उसके लिए मेरे को लावा बकेट चाहिए, उसके लिए मेरे को आयरन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबको बनाना पड़ेगा भाई, जल्दी से सब कुछ बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को थोड़े से एमरल्ड कलेक्ट करने होंगे, और उस एमरल्ड को कलेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा घपला घोटाला करना पड़ेगा, और थोड़ा सा घपला घोटाला करने के लिए मेरे को एक क्ले इकट्ठा करना पड़ेगा, और इन सब क्ले को इकट्ठा करके भाई इन्हीं इसी घर के मालिक को बेच दूंगा और अपना घपला घोटाला से ढेर सारा एमरल्ड जमा कर लूँगा। ढेर सारा तो नहीं, लेकिन 3 एमरल्ड मैंने जमा कर लिया। अब इन 3 एमरल्ड से हम बनाएंगे अपना सेकेंड हट, क्योंकि वीट तो मेरे पास था ही। ओके ओके, स्पॉन गोलम एवरी 2 मिनट। अच्छा, हर 2 मिनट पे गोलम स्पॉन होगा, लेकिन ये गोलम ने विलेजर को क्यों मार दिया? अरे गोलम, तुम्हें गोलम के नियम का आइडिया नहीं पता क्या? गोलम विलेजर की प्रोटेक्शन करते हैं, विलेजर को मारते नहीं, लेकिन इसने एक विलेजर का मर्डर किया है तो कायदे से अब इसको इसकी सजा भी मिलेगी। सॉरी भाई, मेरे राज्य में विलेजर का मर्डर करने पर सजाए मौत मिलती है, तो तुम्हें भी अब मरना ही पड़ेगा। भले ही मैं हमेशा विलेजर को मारते रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मरना पड़ेगा। बाकी एक और आयरन गोलम मरा पड़ा है, उसका भी अस्थियां ले ही लेते हैं। अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला हर्ट बनाने की प्रक्रिया को। पहले थोड़ा सा बकेट बना के उसमें पानी लेना पड़ेगा, इस बकेट में भी पानी लेना पड़ेगा। चलो पानी लेने वाला तो काम हो गया। अब जल्दी से विलेजर्स के घर को चेकआउट करता हूँ, क्योंकि विलेजर्स के घर के अंदर से हो सकता है मेरे को कोई ऐसा सामान मिल जाए जो कि मुझे मेरा हर्ट बनाने के काम आ जाए। जल्दी से इस विलेजर के घर चेस्ट में देखते हैं इसके पास क्या। ये तो कार्टलोग लाफल है, कार्टलोग लाफल के पास लैपिस लाजुली भी होता है। अरे कार्टलोग लाफल आखिर
लैपिस लजूली का क्या कर लाओगे, लाइब्रेरियन के पास मिलना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, कार्टोग्राफर भी कुछ तो कर ही लाओगा, तो लैपिस लजूली मेरे को मिल चुका है। अब इस लैपिस लजूली की मदद से हम अपना लैपिस वाला हार्ट भी बना चुके हैं। चलो फ्लॉश ब्लीड प्लस वाटर बकेट, ओके ओके ओके, कुछ समझ में तो नहीं आया क्या मिला, बट चलो कुछ तो मिल गया। अब अपना जल्दी से अपना नेक्स्ट वाला हेल्थ क्राफ्ट करते हैं। पानी के अंदर फ्री में सांस ले सकता हूँ क्या? जो छोड़ो जो भी, ओ ओ वहाँ पे तो ओके, मेरा आयरन गोलम आ गया ना मेरी रक्षा करने। ये बॉडी गार्ड किसके लिए पाल रखे, अभी आयरन गोलम मेरी रक्षा कर लेगा। मेरे को बोन मिल गया और मैंने बोन को कलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा था कोई एक हार्ट है जो कि बोन से बनाना है। सबसे पहले तो मुझे तीन तीन बकेट बनाने होंगे क्योंकि उन तीन बकेट में मेरे को चाहिए थोड़ा थोड़ा सा लावा। एक एक बाल्टी लावा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक दो बाल्टी लावा तो मेरे को यहाँ से मिल गया, लेकिन एक बाल्टी के लिए पीछे वाले नरल पोर्टल में जाना पड़ेगा। इस ट्विन पोर्टल में कोई ना कोई लावा मिल गया, लावा मिल गया। चलो आप जल्दी से ये सारा का सारा लावा लेके चलते हैं। लेकिन जब आए तो ट्विन पोर्टल का चेस्ट भी चेक करके जाते हैं ना कि इसमें क्या मिलता है। हो सकता है कुछ काम की चीज तो नहीं मिली, घड़ी मिल गई, थोड़ा सा गोल्डन कैरेट मिल गया। चलो आप जल्दी से ये काम कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट वाला हेल्थ भी हमने क्राफ्ट कर लिया, हेल्थ नहीं हंगरी बाल, जिसमें हमें ओ ओ ये क्या चीज़ की पावर है वैसे, इसको जाके चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन इसको चेकआउट करने के लिए मेरे को एक लावा बकेट बनाना पड़ेगा, और लावा बकेट बना के स्नीक करना है। तो लावा बकेट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इस गोलम की हत्या करनी होगी, और ये गोलम क्योंकि मेरे लिए स्पॉन हुआ है, मतलब दो हर दो मिनट पर जो गोलम स्पॉन होते वो वाला है, तो उसको मारने पर वो मेरे को कुछ करेगा भी नहीं। चलो आप जल्दी से लावा बकेट लिए और चलते हैं लावा से स्नीक करके। ओ आप समझा, मतलब लावा बकेट लेके अगर मैं स्नीक करूँगा तो मैं आगे लगा सकता हूँ। चलो अच्छा है, अच्छा है, पूला का पूला विलेज जला देंगे। अब पहले खाना खा के जलाते हैं, मेरे को बहुत भूख लगी है। अब इधर और आग जलाओ, और आग जलाओ, और आग, बस 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 लावा बाहर आ गया। चलो भाई अब और ज़्यादा आग लगाए तो विलेजर्स बेचारे जल के लाख हो जाएंगे, हमें विलेजर्स को भी तो रक्षा करनी होगी। चलो आप अपना नेक्स्ट हेल्थ बाल को, नेक्स्ट हंगली बाल को क्राफ्ट करते हैं। मैं बार बार हेल्थ बाल क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को सबसे पहले सभी विलेजर्स के घर को चेक करना होगा कि क्या इनके घरों में कुछ ऐसा है जो कि मुझे मदद में आ सकता है। चलो ये लास्ट घर बचा है, इसमें कुछ मिल जाए। कोयला मिला इसमें, कोल से भी कोई क्राफ्ट होगा क्या, पता नहीं, पर ले लेते हैं। मिल गया तो हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा सा चीज़, कोई अच्छा सा हेल्थ क्राफ्ट हो जाए। भाई तुम्हारे अंदर संस्कार है कि नहीं, मेहमान आया, मेहमान को सोने दो। ओ हो कोल से भी एक हेल्थ क्राफ्ट होता है, मेरा अंदाजा एकदम सही नहीं। क्या हुआ ये क्या हुआ, मेरे पीछे कोई क्लिपर आके फट गया था शायद, लेकिन कैसे आके फटा है, मतलब इतनी शांति से इतने चुपचाप से आके फट गया। बात भी सही है, आप क्या वो क्लिपर मेरे बगल में आके मुझसे पूछेगा कि मैं क्लिपर हूँ, क्या मैं फट जाऊँ, और मैं बोलूँगा कि जब यहाँ आए हो तो फट ही जाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्लिपर तो आके अचानक से ओ ओ वेडल इफेक्ट भी मिल रहा है, इस वाले हंगली बाल भी काम कर रहा है, मैं जिसको भी हिट कर रहा हूँ उसको वेडल इफेक्ट मिल जा रहा है। चलो अब मेरे को अपना नेक्स्ट वाला क्राफ्ट करना है, और नेक्स्ट वाले के लिए मेरे को ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अब क्या, हाँ डायमंड वाला, और इसके लिए मेरे को डायमंड चाहिए। अब डायमंड मेरे को कहाँ से मिलेगा, माइन करना पड़ेगा या फिर, एक सेकेंड, पीछे एक रुइन शिप भी तो है ना, मतलब एक रुइन शिप रैक, हो सकता है उसके अंदर डायमंड्स हो, क्योंकि मुझे पिछली बार उस शिप रैक के अंदर डायमंड मिला था पिछले वाले मॉड वाले वीडियो में, हो सकता है इस बार भी उसमें हमें डायमंड मिल जाए। चल के चेक करने में क्या जा रहा है भाई, चेक करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, चल के चेक कर लेते हैं। इस चेस्ट को खोल के चेक कर, हाँ हाँ डायमंड है, वो भी 8-8 डायमंड है, और मेरे प्यारा सा गोलम डैमेज खा रहा है। खा लो भाई, एक तो इतनी बड़ी गोलम के सेना मैंने स्पॉन कर दिया कि भाई मेरे चारों ओर ये घूमते रहते हैं, कहीं से देख भी नहीं पा रहा ठीक से। अब जल्दी से अपना हंगरी बाल को क्राफ्ट किया जाए। ओ गड्ढे में गिर गया, कोई बात नहीं भाई, कितनी बड़ी फौज मैंने खाली कर दी है, हर दो मिनट पर स्पॉन हो जा रहे हैं। अब जल्दी से मेरे को ये डायमंड का ब्लॉक बनाना होगा ना पहले इसके लिए, तो डायमंड का ब्लॉक भी मैंने बना लिया। बाकी डायमंड्स तो है, ऑल एनिमीज ड्रॉप रैंडम डायमंड आइटम, अच्छा मतलब मैं जिस भी बंदे को मारूंगा वो डायमंड का आइटम रैंडमली ड्रॉप करेगा, हो सकता है ऐसा ही करे, लेकिन पहले मुझे उसको मारने के लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने इतना कुछ मेरे इन्वेंट्री में है, पर कोई तलवार या फिर कोई
स्वॉर्ड या कोई एक्स है ही नहीं। मैं किसी को मारना चाहूँगा तो मारूंगा किससे? एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, आयरन की बना लेता हूँ, क्योंकि आयरन की काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी से लोग उससे मर भी जाते हैं। चलो 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 चलो, ओ ओ इसको मार के देखते हैं क्या ये कुछ डायमंड की चीज़ें ड्रॉप करेगा। अरे मर जा। हाँ कुछ किया नहीं किया, नहीं नहीं किया किया, एक डायमंड की हो ड्रॉप किया। हो का मैं क्या करूँगा, अरे कुछ भी करूँगा लेकिन डायमंड की चीज़ तो ड्रॉप किया। और ये विलेजर क्या ड्रॉप करेगा? कुछ नहीं किया किया, एक डायमंड का हॉर्स आर्मर इसने ड्रॉप किया। भले ही मेरे का काम का नहीं है लेकिन ड्रॉप तो किया ना इसने। इसने तो अपना का पूरा फर्ज निभाया। इन आयरन गोलम को मारने के लिए निकलूंगा तो एक शॉट एक गोलम को ही मारने में खर्च हो जाएगी। चलो इसको भी अब मार के चेक कर लेते हैं। ये भी डायमंड का बूट गिलाया। और किसको मारे और किसको मारे, वहाँ पे एक मुर्गी है। चलो उस मुर्गी का भी जला लेग पीस खा के चेक करते हैं। इसने भी एक डायमंड की सवेल गिलाई। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़े बहुत और हंगली बाल बचे हैं। लेकिन अगर मैं उनको भी इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और मैं 10-11 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं बनाता, इसलिए उनको हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।